अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। आज का ब्लॉग फिर नाश्ते से स्टार्ट हो रहा है और ये है हमारे दो पराठे। ये आटे का पराठा है और ये मैदे का। और ये अंडा मेरा है, क्रीम आयरा की और चाय मेरी ओरिजिनल की। चाय मैं इसको देती नहीं हूँ, जस्ट पराठा डिप करके देती हूँ। ओके, तो हम नाश्ता करने लगे। मैं इसको नाश्ता करवाती हूँ दोनों को, बल्कि हम तीन नाश्ता करते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ आगे की रूटीन के साथ। ठीक है, ये भी आ गई है। बाय टाटा, आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू। अभी मैंने वॉकर में बिठा दी आयरा को और टाइम हो रहा है 1 बज रहा है। और एजल कल गिरी थी वॉकर से, तो अब इसकी हिम्मत नहीं हो रही दोबारा बैठने की। इसको अभी डर्टी लग रहा है, तो आयरा को ये बैठने नहीं देती थी, तो अब गिरी है तो कहती है आयरा ही बैठे, मैंने नहीं बैठना। और बस साथ में कार्टून लगाया हुआ है इनके लिए मैंने, बेबी शार्क। और अभी मैंने इसका वॉल्यूम म्यूट किया है क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं फिर। तो बस अभी हस्बैंड भी आने वाले हैं, 1 बज रहा है, तो वो आते हैं फिर आपसे रूटीन शेयर करती हूँ। कुछ भी करने को नहीं होता यार जब घर में होते हैं, तो जब बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ व्लॉग बना लेती हूँ। तो बस चले, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। हस्बैंड आ गए, उनको मैंने खाना दे दिया। यहाँ पे एजल का गर्म हो रहा है चिकन और राइस। और रात के लिए, डिनर के लिए मैं सोच रही हूँ, जो रमज़ान में हलीम मैंने बनाई थी हाफ, मैंने फ्रीज कर दी थी, तो सोच रही हूँ वही निकाल के इसको तड़का लगा लूँगी। इसको यहाँ पे डिफ्रॉस्ट होने के लिए रख देते हैं फिलहाल। तो जब तक मैं इधर को खाना देती हूँ, फिर मैंने क्लीनिंग करनी है थोड़ी, या क्लीनिंग शाम में कर लेंगे, देखते हैं। आटा भी गूंदना है, आटा भी नहीं है, दही भी देना है इधर को। इधर को मैं 2 टाइम्स अ डे दही ज़रूर देती हूँ, एक डिनर में और एक लंच में। दही बहुत ज़रूरी है, खास करके बेबी गर्ल्स के लिए। आओ, तो चलिए मैं ये बंद करती हूँ, एजल का खाना तैयार करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अभी उठे हैं एजल आयरा लोग और अभी मैं यहाँ पे बस बना लेती हूँ हलीम अपनी। ये अभी तक फ्रीज है, बस मैं इसको करती हूँ ऐसा कि पैन में डाल देती हूँ। मैं ये पैन निकालती हूँ फिर बताती हूँ। यार इस पैन में मैंने हलीम डाल ली है और साथ में मेरे पास ये चिकन है, हांडी मैंने कल बनाई थी, तो ये भी मैं स्ट्रेट करके डाल दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये पड़ी रहेगी फिर कोई खाएगा नहीं, तो इसी में यूज़ हो जाएगी। तो ये रहा हलीम और ये रहा ऊपर चिकन। तो ये अपना ही पानी अब छोड़ देगा क्योंकि ये फ्रीज थी हलीम, तो इसी में ही पक जाएगा, फिर बाद में इसको मैं तड़का लगा दूंगी। प्याज, चिलीज़ और गार्लिक, सॉरी जिंजर का, ठीक है। धनिया मेरे पास है नहीं, लेमन भी नहीं है। अभी मैं देख रही थी कि अगर कारफोर वाली डिलीवरी करते हैं अभी, बट वो कल का स्लॉट मिल रहा है मुझे, आज का नहीं मिल रहा। और आज बाहर जा नहीं सकती, मैंने क्लीनिंग करनी है घर की थोड़ी बहुत, मैंने इनको सुलाने से पहले कर ली थी, फिर इनको नींद आ गई थी दलायरा को, तो अभी मैं चाय के लिए दूध भी नहीं है, एक मसला तो नहीं है, तो शायद एवरीडे मैं चाय बना लूँ, उसके बाद चाय पीते हैं, चाय के बाद मैं फिर क्लीनिंग करूँगी, ठीक है। सो हलीम हमारी पक रही है, मैं दिखा देती हूँ, ये रही। और अभी मैं करने लगी हूँ, अभी आटा भी मैंने गूंद लिया, इसको रेस्टिंग पे रख दिया है, इसको दोबारा फिर गूंदना है रेस्ट करने के बाद। तो अभी मैं करने लगी हूँ घर की सफाई। आ आ आ, नो 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 बेबी, नो 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 नो। तो अभी मैं करने लगी हूँ सफाई, तो चले सफाई करती हूँ। और मैं अगर हस्बैंड फ्री हुए तो मैं उनको कहती हूँ कि जरा क्लिप्स बनाए मैं कैसे सफाई करती हूँ, ठीक है। चले पहले इन बॉल्स को इधर डाल देते हैं ताकि जगह ही मैस थोड़ा कम लगे, उसके बाद करेंगे क्लीनिंग। तो करते हैं क्लीनिंग। यहाँ पे हलीम हमारी बन गई है, अब जिस इसको तड़का लगाना बाकी है। और आटा भी मैं गूंद लेती हूँ ताकि काउंटर टॉप मेरे लिए साफ़ हो जाए। यहाँ पे हस्बैंड ने भी फ्राइज खाए हैं, तो इसको मैं पूरा साफ़ करती हूँ ताकि ये सारी जगह मैं इजीली साफ़ कर सकूँ। उसके बाद इसको एजल, पुट इट बैक, गो गो, पुट इट बैक, गो। तो इस किचन को साफ करूँगी, उसके बाद बाकी घर, ठीक है।
कर तो आपने साफ कर दिया। मैं हस्बैंड ने मुझे बोला था कि इधर मैं दोबारा से एक न्यू शीट लगाऊंगा क्योंकि इतना पड़ा हुआ है, तो मैं हस्बैंड को अब फोर्स करती हूँ कि यहाँ पे शीट लगा ली क्योंकि यहाँ पे सारा ख़राब हो गया है। देखिए यहाँ भी ख़राब हो गया है, तो हस्बैंड को बुलाते हैं। ठीक है, तो ये अब हम निकाह लगाने लगे हैं और हाफ पोर्शन पर लगाएंगे, लाइक जितना ये होता है ये वाला रह भी जाए तो खैर है, कोई बात नहीं क्योंकि यहाँ पर कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता। यहाँ भी एयर फ्रायर रखा होता है साथ में, चॉपर वगैरह, तो बस यहाँ पे लग जाए, डबल भी लग जाएगा और सही लगेगा। फिर तो लगाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तक हस्बैंड शीट लगा रहे हैं, मैं ये साफ़ कर लेती हूँ। खाना तो वैसे ही बन गया है, अब जस्ट रोटियाँ ही बनानी है और तड़का भी। इधर प्लीज़, उसने यहाँ पर जो मेस क्रिएट किया है वहाँ पर मिठाई पड़ी है, पैम्पर्स पड़े हैं, क्या करें बच्चों के साथ। तो मैं ये साफ़ करती हूँ, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ किचन का, उसके बाद बाकी सफाई करूँगी। तो किचन हमारा नीट एंड क्लीन हो गया, शीट बिछा दी हस्बैंड ने, लगा दी, बिछा दी, वट एवर, और यहाँ पे ये भी साफ़ हो गया, सारा किचन ऑलमोस्ट साफ़ हो गया, जस्ट कचरे कुछ बोड़ के, ये कचरा मैंने फेंकना है। और अभी बारी है वो रूम, स्टोर रूम, और वो वाला वो जो गैलरी टाइप है, वो गैलरी कहते हैं, सो क्या कहते हैं, जो भी है ये भी मैंने साफ़ कर दिया है, और जो डस्टिंग थी वो भी कर ली है, मिरर्स जो टेबल्स है जो भी है फर्नीचर वगैरह उसकी डस्टिंग भी हो गई है, तो बस अब जस्ट वैक्यूम लगाना रहता है इसको और रूम को। तो चलिए अब ये करते हैं, ठीक है। नीट एंड क्लीन हो गया है, थोड़ा सा टाइम लगा है बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन हो गया है। तो बस चलिए अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, शाम हो गई है और फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ग्रोसरी भी घर में ख़त्म है, कुछ भी नहीं है, ना कोई सब्ज़ी है ना कुछ और है, आटा भी ख़त्म हो गया है, और ये कचरा फेंकना है क्योंकि हम बाहर गए नहीं हैं, जब बाहर जाएंगे तो फेंक देंगे। और बाकी तो शुक्र हम जब घर साफ हो जाता है अच्छा ही बंदा रिलैक्स फील करता है। फिर ये हमारी हलीम है, ये गाड़ी हो गई है खुद ही, बस तड़का लगाना रहता है इसको, तड़का लगाऊँगी बट बाद में, या अभी लगा लेती हूँ क्योंकि तड़का लगाने के बाद इसको 15 मिनट तक बॉयल करते हैं, तो मैं इसको तड़का लगाती हूँ, प्रिपरेशन करती हूँ, फिर जाके रेस्ट करूँगी। ऑयल गर्म हो रहा है यहाँ पे और तड़के में जाएंगी ये चीज़ें, प्याज, अदरक और चिलीज़, और ये चिलीज़ ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, मीडियम है, स्पाइसी है और स्पाइसी है भी नहीं, पर जो इंडियन होती है वो बिल्कुल छोटी सी पतली सी वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है और ये ज़्यादा नहीं है, तो ये चीज़ें मैं तड़के में डालूँगी, ये फ्राई हो जाएंगी, बिल्कुल फ्राई करना है इनको, और उसके बाद मैं ये प्याज को ज़रा अलग अलग कर लूँ ताकि जल्दी फ्राई हो जाए। कमर में मेरे दर्द हो रहा है क्योंकि वो बैठ बैठ के मैंने सफाइयाँ की है ना, इसीलिए। सो मिक्स भी हो जाए, मिक्स ही डालना है वैसे भी, तो ऑयल गर्म होता है मैं ये डालती हूँ फिर, ठीक है। हाँ, पे तड़का हमारा तैयार हो गया है, अब इसको डाल देंगे दाल में, झोली में। जी जी, ये देखिए रात हो गई और आसमान बिल्कुल रेड रेड ऑरेंज ऑरेंज, पीछे इनकी लाडली एज यूजुअल रो रही है, और ग्रोसरी खत्म है बट ये नहीं ला रहे, मेरे हस्बैंड नहीं लाना चाहते, वो कहते हैं भूखे मर जाओ, मैं नहीं लाऊंगा, तो बस है ये भूखे मर जाते हैं, मजाक कर रही हूँ। और हलीम ये हमारी बन गई है बट वो नहीं ला रहे, सच में नहीं ला रहे ग्रोसरी, क्या करूँ मैं, क्या कर सकती हूँ, मेरे से भी रेस्ट नहीं होता ना कि आराम से बैठ जाऊँ रेस्ट करूँ, 7 बज रहे हैं और वो ग्रोसरी नहीं ला रहे, सुबह से मैं इनको बोल रही हूँ कुछ भी नहीं है घर में, कुछ भी नहीं, बट ठीक है कुछ खाएंगी नहीं, कुछ पकाऊंगी नहीं,
ये दोनों इसकी सही बिगाड़ दिए मेरे हस्बैंड ने दोनों को, बस गोद 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 लाड लाड लाड। टाइम हो रहा है 8, एक रोटी मैंने बना दी है, बना रही हूँ बल्कि आयरा एजल के लिए, क्योंकि आई थिंक इनको भूख लग रही है, तो साथ में मटर गरम कर रही हूँ। आयरा ये लड़ती है मेरे साथ, तो इनको मैं खाना देती हूँ, फिर बाद में अपनी रोटियाँ बनाऊँगी अपनी और हस्बैंड की, ठीक है। माशाल्लाह ये रहा दोनों बहनों का खाना, रोटी और साथ में दही और ये सालन और पानी, तो इनको मैं खाना देती हूँ फिर अपनी रोटियाँ बनाती हूँ, ठीक है। रिजल कम एजल नम नम। सो हस्बैंड के लिए मैंने 2 रोटियाँ बना ली है और घर वाल मतलब घर हम अपने लिए नहीं बनाई, क्योंकि हस्बैंड ने बोला हलीम के साथ मैं तंदूर की रोटी खाऊंगा, तो वो रोटी लेने गए हैं, तो ये हलीम है और उनका लंच पैक कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी, उन्होंने बोला मैं उधर से कोई क्रोसॉन वगैरह ले लूँगा, और तो मैं इनका लंच ही पैक कर लूँगी जस्ट। तो ये हलीम है और ये रोटियाँ थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पे आ जाए, अदरवाइज़ नमी छोड़ देते हैं ये, ज़्यादा गर्म हो तो, बहुत गर्म है ये। तो इनको मैंने लंच डिनर करा दिया है और बस टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, तो हस्बैंड आते हैं, बस हम अपना डिनर करते हैं फिर, ठीक है ना। हमने खा लिया है और अभी बस मैं एजल का मिल्क गर्म करने लगी हूँ, ये पानी गर्म हो रहा है इसमें मैं फिर इसको गर्म कर लूँगी, और एजल ये वाला पीती है, बहुत शौक से पीती है माशाल्लाह अलमराए का, ये फ्रेश मिल्क होता है, वो डब्बे वाला वो नहीं पीती है और ना फार्मूला मिल्क पीती है। क्या एक सीक्रेट बताती हूँ मैं क्या करती हूँ, मैं जब रात को सोने लगती हूँ ना तो मैं पहले से ये ड्राई मिल्क इसमें भर लेती हूँ, तो जब एजल आयरा सो जाती है इसको मैं खाती हूँ इसको मैं खाती हूँ, बहुत शौक से खाती हूँ। ये आदत मुझे पड़ी थी एजल के टाइम जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, मैं सारा सारा दिन सारी सारी रात ड्राई मिल्क खाती थी, और मेरे हस्बैंड मुझे इतना डांटते थे कि ये अच्छा नहीं होता प्रेगनेंसी में, और ये वो होता है डायबिटीज़ कॉज करता है, पता नहीं क्या कुछ, बट मुझे जो आदत पड़ी थी इसकी प्रेगनेंसी में, और अभी तक मैं ये खाती हूँ रात भर, और जिस दिन ना खाऊँ उस दिन मुझे इसकी क्रेविंग होती है, तो मैं पाकिस्तान से मंगवा लेती हूँ, अभी जब अबू आ रहे थे अबू ले आए थे तो ये पाकिस्तान से मंगवाती हूँ और फिर खाती हूँ। तो बस चले अब मैं व्लॉग को एंड कर देती हूँ, आप लोगों से इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, और ये भी क्योंकि रात में मुझे उठना पड़ता है आयरा को फीड करना पड़ता है, तो जब मैं उठती हूँ अचानक से मेरी आँख खुलती है तो मुझे इतनी क्रेविंग होती है किसी मीठी चीज़ की, भूख लगती है, तो मैं ये टॉफ़ीज़ अपने बेड साइड पे रख देती हूँ, जैसे ही उठती हूँ जैसे 3 बजे उठ जाती हूँ, 6 बजे 9 बजे ऐसे, तो साथ में एक टॉफ़ी खा लेती हूँ फिर, ठीक है। तो चलिए मैं व्लॉग को एंड करती हूँ, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।